नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक और नई कहानी नई जिंदगी पर। मित्रों, कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। खाना खाने के बाद की गई यह गलती घर परिवार पर बहुत भारी पड़ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। सनातन धर्म में अन्न को देवता माना गया है। इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए खाने की थाली लकड़ी के पटिए पर रखने की परंपरा मानी गई है। पुराने समय में तो भोजन के हर एक दाने को इतना सम्मान दिया जाता था कि कई लोग थाली को धोकर पी लेते थे। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यताएं हैं कि भोजन की थाली में हाथ धोने से उसमें बचे हुए अन्न का अपमान होता है। माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, घर से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। शास्त्रों में तो ऐसा न करने के पीछे की वजह भी बताई गई है। माना जाता है कि यज्ञ की अग्नि में अर्पित की जाने वाली सामग्री देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए भोजन का विशेष महत्व माना गया है। भागवत सहित कई पुराणों में इसका अपमान अपराध के समान बताया गया है। लेकिन यदि हम इसे वैज्ञानिक तौर पर देखें तो पुराने समय में लोगों के घर मिट्टी के बने होते थे और ज्यादातर लोग पत्ते की थाली में भोजन किया करते थे। यदि पत्ते की थाली में भोजन के बाद हाथ धोए तो वो खुद ही थाली से बाहर गिर जाएगा, और तो और उससे जमीन भी जो कि मिट्टी का हुआ करता था वो भी कीचड़ कीचड़ हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राधे राधे, धन्यवाद।